Good evening, everyone. I welcome you all in today's session. Myself, Kirti Lata Bodhra. आज हम बात करेंगे गुड पेरेंटिंग पे. गुड पेरेंटिंग पे बात करने से पहले काफ़ी सारे पेरेंट्स ये सोच रहे हैं गुड पेरेंटिंग पे ही क्यों. हमें बहुत सारी चीज़ें पता होंगी गुड पेरेंटिंग पे. हमें ये करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसे रहना चाहिए. येस, वी ऑल नो इन आर ओन डिफरेंट सेक्टर, बट अब उनसे कैसे आगे बढ़ा जाए. काफ़ी सारे पेरेंट्स मुझसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्यों हम बार बार इस चीज़ों पे बार बार बात करते हैं. आई वॉज टॉकिंग टू सो मेनी ऑफ टीन्स राइट नाउ. मैं काफ़ी सारे बच्चों से, काफ़ी सारे टीनएजर्स बच्चों से आज के टाइम पे बात कर रही हूँ. तो काफ़ी सारे बच्चे जो ये चार प्रॉब्लम मेरे पास लेके आ रहे हैं, उन सब से वो ओवरकम करना चाहते हैं. तो उन चीज़ों को ओवरकम हम एज अ पेरेंट कैसे आगे करें, हेल्प कैसे करें उन बच्चों को. So you might have seen some of the four few things which you have noticed among your own kids. पहला चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने लगे हैं. सेकेंडली, वो बहुत ज़्यादा एरोगेंस हो गए हैं. थर्डली, बहुत ज़्यादा एंगर. या फिर फोर्थली, बहुत ज़्यादा अकेलापन, अलोन. सो वॉट एज द पेरेंट्स वी शुड डू. आई विल बी गिविंग यू फाइव फ्यू टिप्स टू हाउ टू हेल्प योर ओन टीन्स टू ओवरकम विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स. Firstly, accept them when they are talking to you. Accept them whatever the problem they are sharing to you. Don't judge on the basis of that. Don't judge, okay, tujhe to ye sab cheeze malum hi nahi hai. Don't go and to say that. Accept whatever your child is sharing to you. Accept your child is talking to you in some difficult matters which he or she is facing it out. Secondly, appreciate your own child. Appreciate your child in different mode of way. Specially appreciate their work which they are doing. अगर वो कभी आपके सामने कुछ बनाता है, for example, he is trying to prepare some good pasta. Appreciate, wow, you have really cooked well. That is a really good way. Just appreciate their work. Next, adventure. Your child might be seeking for some adventure. सब teens, सब बच्चों पर होता है कि हमें कुछ adventure करना चाहिए. So they will be trying to do that. Be with them to do some adventure. फॉर एग्ज़ाम्पल, आज की डेट में हम बाहर नहीं जा सकते हैं. स्टार्ट डूइंग विद देम द गार्डनिंग. ओके, ठीक है बेटा, ऐसे गार्डनिंग करते हैं, इसमें ऐसे ये डालते हैं, उसके साथ ये. दैट विल बी द गुड एडवेंचर फॉर योर ओन किड. फोर्थली, एडवाइस फ्रॉम अदर्स. येस, समटाइम्स बच्चे हमारी बातें नहीं सुनते हैं. वो एज अ पेरेंट हमारी बातें कभी नहीं सुनना चाहेंगे. वो चाहेंगे कि हम, क्योंकि ऐसा होता है कि हम बच्चे, हम पेरेंट को सुबह शाम रोज़ देखते हैं, तो वो हमारे से हमारी बातें, कुछ सारी बातें नहीं समझेंगे. तो हम उन्हें कैसे ओवरकम कर सकते हैं. आई हैव सीन माई ओन फ्यू ऑफ द किड्स इन माई ओन वर्किंग प्लेस. लाइक व्हेन सम टीचर सेज टू देम, लाइक बेटा ये खाना गलत है, अब ये मत खाइया करिए, तो वो उनकी बात मान लेते हैं. आपको कुरकुरे नहीं खाना चाहिए, वो उनकी बात मान लेते हैं. येस, दे आर सम गुड इन्फ्लुएंसर अमंग देम. तो आप उनके साथ बात करवाइए. दे माइट बी सम गुड पर्सन इन योर फैमिली जिनकी वो बात मानते हैं. अलाउ देम टू टॉक टू समवन एल्स. लास्टली, आई विल से आस्क, गिव देम अ ऑप्शन. नेवर गिव योर ओन स्टेटमेंट कि तुझे ये नहीं पता है. जस्ट आस्क देम, ठीक है बेटा, आप क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं. आस्क देम इन डिफरेंट मोड ऑफ वे. ठीक है बेटा, आस्क, आज हम ये करते हैं, आज हम ये बनाने की कोशिश करते हैं. आज देम इन गिविंग द ऑप्शंस टू व्हेन दे आर ईटिंग समथिंग. जस्ट पूछिए, रात का खाने में क्या खाना है, अगर ठीक है मैं ये बनाता हूँ या ये बनाता हूँ. आज देम, सो दे विल लिसन टू यू. आई विल जस्ट से वन ऑफ द फ्यू एग्जांपल्स व्हिच टुडेज किड्स आई बीन हैविंग सम प्रॉब्लम. लाइक सम ऑफ द किड्स आर वेरी गेटिंग सो मच ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट दे आर नॉट सिटिंग फॉर देयर स्टडीज. जस्ट से और जस्ट बी वेरी पोलाइट टू आज देम. ओके बेटा, आप कितने बजे बैठेंगे, आप 4 बजे पढ़ने बैठेंगे या 6 बजे पढ़ने बैठेंगे. दैट टाइम योर चाइल्ड विल बी लिसनिंग टू यू कि ओके, माई मॉम, माई डैड इज आस्किंग मी समथिंग, आई शुड बी हैविंग सम ऑप्शंस. दे विल बी रिलेटेड टू यू. सो दे आर सम ऑफ द फ्यू थिंग्स विच आर वी बीन डीलिंग इट आउट विद टूडेज सिनारियो. मोर ओवर, सम ऑफ द पेरेंट्स आई हैव आस्क्ड मी सम ऑफ द क्वेश्चंस लाइक वॉट वी शुड डू विद द स्क्रीन टाइमिंग फॉर आवर किड्स. मेरा बेटा रोज़ मोबाइल देखता है, रोज़ लैपटॉप देखता है. इट इज़, येस, इट्स हार्मिंग देयर ओन आई, दे हार्मिंग देयर ओन बॉडी एंड इट इज़ क्रिएटिंग सो मच ऑफ स्ट्रेस अमंग देम. आप उनको एक शेड्यूलिंग दीजिए. आप उनके साथ बैठिए, पूछिए, ठीक है बेटा, लेट्स मेक अ डे शेड्यूल.
कि हम इस टाइम पे इतने देर तक हम मोबाइल देखेंगे, ये हमारा लिमिट टाइम होगा, आप इतने टाइम से इतने टाइम पे वी विल बी जस्ट सिट एंड स्टडिंग, ठीक है, सो यू विल बी एबल टू डू दैट। लास्टली आई विल बी लव टू एंड द क्वेश्चन बाय जस्ट गिविंग वन ऑफ द थिंग्स विच इंसिडेंट विच टुक प्लेस विद मी। दैट वॉज द फर्स्ट इंसिडेंट दैट आई वॉज स्टेइंग समवेयर एंड देर वॉज सम शाउट नॉइज गोइंग फ्रॉम माई आउटसाइड, मतलब मेरे घर के बाहर काफ़ी सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो मेरे दिमाग में सबसे पहला ये थॉट आया कि माइट बी देयर माइट बी समथिंग कि कुछ लड़ाई हो गई, इसलिए बहुत ज़्यादा शोर शराबा आ रहा है। पर मैं जब बाहर निकली तो मैंने देखा कि ओ मेरे नेबर में एक छोटी सी बच्ची का कॉलेज में एडमिशन हो गया, एंड अ गुड ड्रंक। आई वाज जस्ट स्टार्टेड थिंकिंग कि व्हाट इज माय वे, लाइक क्यों हमारे माइंड में सबसे पहले एक नेगेटिव थॉट्स आता है। देयर माइट बी सम गुड थॉट्स इन आवर माइंड टू। यस, दिस इज अ वे आई एम टेलिंग टू यू, नो योर ओन वैल्यूज, योर बिलीव्स, डोंट इम्प्लीमेंट ऑन अदर्स, डोंट इम्प्लीमेंट ऑन थिंकिंग समथिंग बैड अबाउट अदर्स। Your kids needs you right now. Your kids are willing to sit with you. Your kids are asking you, let's to spend some time. This is a very good time to have a good quality time with your own family, with your own knowing and loving ones. So thank you so much for being with here. I will be more talking about some common things which as a parent and as a teens can solve it out in upcoming sessions. Thank you so much for being here. Thank you.